नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रातों रात 60,000 घुसपैठिए पैदा हो गए तो आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर आप थोड़े से चिंतित होंगे, थोड़े से परेशान होंगे और सबसे बड़ी बात आप ये सोचेंगे कि 60,000 घुसपैठिए पैदा हो गए का क्या मतलब है। इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है ये आपको बताते हैं। दरअसल हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से योगी आदित्यनाथ से शिकायत की गई है और इस शिकायत में कहा गया है कि कुछ लोकल नेता और अधिकारी मिलकर रोहिंग्या मुसलमानों के जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं जो कि पूरी तरीके से फर्जी है। और ये आंकड़ा 100, 200, 500, 1000 नहीं बल्कि 60,000 तक पहुंच गया है। यानी अगर आप यूपी के रायबरेली की बात करेंगे जहां से नए नवेले सांसद बने हैं राहुल गांधी, तो इस क्षेत्र में खबर यह मिल रही है कि 60,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं रोहिंग्या मुसलमानों के, जो ये बताता है कि कैसे घुसपैठियों ने अब उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठ करनी शुरू कर दी है। अब तक तो हर कोई निश्चिंत था कि चलिए बंगाल से ये खबरें आ रही हैं, बिहार से ये खबरें आ रही हैं, देश के परिपक्व में देखें तो चिंता का विषय था, लेकिन राज्य दर राज्य देखें तो लोग थोड़े से आश्वस्त थे कि योगी बाबा का राज है तो यूपी में इस तरह की हरकत नहीं होगी। लेकिन यूपी से ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि एक साथ 60,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं और कहां पर, जहां से सांसद हैं राहुल गांधी, यानी रायबरेली में। आपको बताते चले, रायबरेली से बांग्लादेश की दूरी 700 किलोमीटर है, यानी डायरेक्ट तौर पर तो घुसपैठ नहीं हुई लेकिन फिर किस राज्य से एंट्री हुई ये बड़ा सवाल है और जांच का भी विषय है। आपके शहर में भी हो सकता है रोहिंग्या मुसलमान अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाकर बैठे हो, नागरिक बन गए हो, वोट का भी इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपने आस पड़ोस में इस पर नजर जरूर बनाए रखें। आपको बताते चले, 100-500 नहीं बल्कि 60,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए हैं रायबरेली में। हिंदू युवा वाहिनी ने योगी से शिकायत की तब जाकर मामला खुला। कुल मिलाकर देखें तो रोहिंग्या मुस्लिम्स एंट्री कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में और ये चिंता का विषय है। लेकिन सबसे दिलचस्प देखना ये रहेगा कि योगी आदित्यनाथ इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से एक्शन लेते हैं। अब तक तो कई मामलों में एक्शन लेते हुए देखा गया है लेकिन घुसपैठ को वो किस तरीके से रोकेंगे, क्योंकि घुसपैठ के साथ साथ आता है धर्मांतरण और ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बाकी राज्य बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश थोड़ा सा सुरक्षित महसूस करता था लेकिन अब ऐसी खबरें अगर यूपी से आ रही हैं तो टेंशन की बात तो है ही। जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।